लोकसभा प्रत्याशी ने क्षेत्र में कई जनसभाओं को किया संबोधित। प्रदेश की सबसे चर्चित व वीवीआईपी सीट रायबरेली में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं, क्योंकि मतदान में मात्र एक सप्ताह से कम का समय बचा है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी वर्तमान सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राजामऊ, इचौली व सुदौली में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। राजामऊ में जनसभा को संबोधित करने के पहले प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह राजामऊ में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। तत्पश्चात ग्राम सभा के भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बड़ी माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। जनसभा को संबोधित करने से पूर्व श्री सिंह एवं जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी ने क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह को भाजपा की सदस्यता दिलाते उनका स्वागत किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा, आप सभी जानते हैं इस बार आपका बेटा, आपका सेवक एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, क्योंकि अभी तक आपने जिसे जनपद के सांसद बनाया वह अपना प्रमाण पत्र लेने नहीं आया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस बार आप लोगों की बारी है, आप शासक नहीं सेवक चुने। इसी कड़ी में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए वर्तमान की भाजपा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए 20 मई को होने वाले मतदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने की बात भी कही। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी, पूर्व विधायक रामलाल अकेला, नगर पंचायत अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह राम जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रवेश वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने हमको सुनने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए समय निकाला। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि जिस आशा विश्वास के साथ आप सब हमको शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं, भगवान इतनी शक्ति दे कि आपकी आशा के अनुरूप में आपकी सेवा कर सकूँ, आपकी कसौटी पर खरा उतर सकूँ, आपके क्षेत्र का विकास कर सके। हम आप जा रहे हैं, आप सब जानते हो रायबरेली का भविष्य तय करने के लिए आने वाली कौन सी तारीख को चुनाव है। देखो भाई, हमारा गला खराब है, एक एक दिन में 20-20 मिनट के करीब है, तो गला थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन दिल एकदम ठीक है, भाव हमारे एकदम ठीक है, हृदय एकदम पवित्र है। मैं भगवान भोलेनाथ के समक्ष बैठे ये बात कह सकता हूँ, कह रहा हूँ, मैं हृदय से राजामऊ के लोगों को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ आप सबका सम्मान दे सकते। तो अगर गला खराब हुए के कारण कोनो बात ऐसी वैसी हो जाए तो तुम सीधे सीधा समझो, कहो गला खराब है, कोई बात टेढ़ी मेढ़ी निकल जाए तो भाई अर्थ का